कभी कभी इतना काम करने पड़ता है कि आपको 12 बजे 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे तक काम करना पड़ता है, जो भी फैमिली ट्रिप में आना चाहता है। तो भाई हमारा रूटीन का अभी स्टार्ट हो गया है, तो कभी कम और कभी ज़्यादा ड्यूटी पड़ता रहता है। और आज मैं खाना भी नहीं बनाया था सुबह से, और अभी ऊपर वाले की दुआ से मैडम मैकडोनल्ड्स में गई थी तो थोड़ा सामान वामान लेके दे दिया है। और ये चिकन है, चिकन ब्रेड का है वो बर्गर, और ये आलू चिप्स है, और इधर पेप्सी रखा हुआ है, अभी देख सकते हो ये पेप्सी है। और बाहर देख सकते हो अभी नज़ारा किस तरह है, पूरा बाहर मेला लगा हुआ है। और ये तो दोस्तों फाइनली अभी छोड़ के जा रहा हूँ और चलता हूँ कुछ खाता पीता हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगा है और अभी इससे पेट नहीं भरेगा, हमको होटल से कुछ लेना पड़ेगा क्योंकि आज मैं खाना नहीं बनाया था। तो चलते हैं दोस्तों भी रूम पे फटाफट। और काफ़ी The next day. तो अभी ब्रश व्रश करके रेडी हो गया क्योंकि कल कुछ बनाया नहीं था, और पूरा मतलब बर्तन तो कल कल धुला रखा हुआ है, और जो भी रोटी थी वैसे पड़ी हुई है। तो आज खाना बनाने का पूरा मूड है क्योंकि बाहर मेरे यहाँ बारिश हुआ था रात में, और अभी मौसम बहुत ख़राब है बाहर का, दिखा सकता हूँ आपको, बादल ही बादल है, और रात में देख सकते हो बारिश हुआ और पानी रोडों पे है और गाड़ी पूरी गंदी है, अब देख सकते हो। तो फिलहाल चलते हैं अभी थोड़ा मार्केट, तो आज दिल कर रहा है चिकन खाने का, तो अभी चलते हैं चिकन लेके आएंगे, और आज बनाने का मूड है। और एक भाई का कमेंट आया था तो बोल रहे थे भाई वहाँ बीफ या चिकन महंगा है या फिर सब्जियाँ महंगा है कि सब्जी महंगा है, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भाई यहाँ पर क्या चीज़ सबसे महंगा पड़ता है खाने पीने में, क्योंकि जो भी यहाँ आता है गल्फ़ कंट्री में सऊदी अरबिया में, तो हर कोई सुनता है कि भाई वहाँ चिकन बहुत महंगा बहुत सस्ता है। तो हम आपको वीडियो में बता देंगे कि भाई चिकन महंगा है कि यहाँ सब्जी खाने में फ़ायदा है। तो चलते हैं देर न करते हुए, क्योंकि तो भाई गाड़ी की भी सफाई उफाई नहीं क्यों कर रहा, तू खाया था इधर ही। कितना है, और ये सेब है मेरा 1.5 केजी है, ये लगभग 1.5 केजी है, और ये पड़ा है 9 रियाल का, और ये 10 मान लो 10 रियाल का पड़ा है, और ये पड़ा है मुझे ये इसके इस स्टिकर नहीं लगा है, और इतना सारा सामान सिर्फ सब्जी है जो ये अभी दोस्तों ये पालक है, और इधर का पालक है, और ये है चिकन,
अब ये चिकन है, ये पालक है दोस्तों। हमें सबसे सस्ता इधर सब्जी पड़ता है, क्योंकि सब्जी एक बार 15 रियाल का ले आओ तो आप 3 दिन एक हफ्ते खाओगे। अगर चिकन लाओगे तो 15 रियाल का 2 दिन खाओगे, तो एक दिन बनाओगे तो दिन भर में ख़त्म कर देगा आदमी अगर खाने वाला रहेगा, नहीं तो 2 दिन चलाएगा। हम जैसे लोग रहेगा तो 2 दिन चलाएगा, नहीं तो 3 दिन एक ही दिन में ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों इधर मुझे सबसे सस्ता पड़ता है सब्जी दाल, ये सारा कुछ सामान मिलता है। सच्चा भी है, क्योंकि आने से पहले बहुत सारे लोग बोलते थे भाई उधर मुर्गी और चिकन माँ जो है बीफ ये सारा कुल मतलब सस्ता पड़ता है बकरे वगैरह का, लेकिन दोस्तों इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे महंगा इधर है चिकन मुर्गा बकरे के जो गोश्त होते हैं ये महंगे होते हैं, और सब्जी इधर सस्ता मिलता है। सब्जी ये समझ लो कि अगर 20 रियाल का लाओगे तो एक हफ्ते से ज़्यादा खाओगे, और चिकन लाओगे तो बस 20 रियाल का 2 दिन खाओगे, बस इतना ही फ़र्क है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, और सब्ज़ी सस्ती है और सब्ज़ी सबसे बेस्ट है हमारे लिए। तो भाई अभी चलते हैं चिकन को काट वाट के अभी बनाते हैं। अपना अच्छे से करो, क्योंकि इसमें बहुत सारा सवो होता है। तो अभी इसको प्याज को हम लोग एक नए सिरे से बनाएंगे, क्योंकि उस तरह फ्राई करके चिकन नहीं बनाना है, और डायरेक्ट इसी में सब मिक्सचर कर देना है हमको, और मिक्सचर करने में हमें टाइम भी नहीं लगता है। और इसको अच्छी तरह से मसल दो ताकि हमें टाइम ना लगे, और बार बार उसको हमें तड़का ना मारना पड़े, फ्राई ना करना पड़े, तो ये इससे बच जाते हैं हम लोग। तो हम जितने भी लड़के हैं भाई कुंवारे हैं या कहीं भी अकेले रहते हैं परदेश में, तो इस तरह चिकन बनाएंगे तो काफ़ी आपको आराम भी मिल जाएगा, और काफ़ी जल्दी बन जाएगा। आपको उसके पास बैठना नहीं पड़ेगा, बार बार पानी डालो, फिर उसको चलाओ, फिर बहुत सारा सामान इधर उधर करो, फिर ऐसा नहीं है, सब से एक साथ में इसको ऐसे अच्छी तरह प्याज को मसल दो, और चिकन इसी में डालना पड़ेगा मसल कर, बहुत अच्छा टेस्टी बने। डालो मसाला, मसाला भी ख़त्म होने वाला है, और मसाला डालो और नमक डालो दोस्तों फटाफट, क्योंकि आज लेट भी उठा हूँ और भूख भी लगा है काफ़ी तेज़। जितना भी पेस्ट वेस्ट बना के रखा हूँ सब इसी में डाल देता हूँ, और सब एकदम एक साथ में सारा कुछ हो जाएगा। हम लोगों की ज़िंदगी परदेशियों के ऐसे होता भाई, तो अभी रोज़ रोज़ बनाना खाना है इसी में, तो लाइफ तो भाई दरवाज़ा खोल देता हूँ थोड़ा हवा पानी बाहर आए, और इसी में टाइम पास हो जाता है, और बनाना खाना है क्या करेंगे भाई। तो इसको मिक्सचर कर देते हैं इसी में 10-5 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें मिक्सचर करके रख देंगे 10-5 मिनट तो इसमें बहुत अच्छा से ग्रेवी मिल जाएगी प्याज। तो भाई साफ सफाई थोड़ा हो जाए इधर का।
इसमें पहले मैट बिछा था रोप कपड़े का, तो मैं इसको ढूंढ के लाया था बलदिया से, मतलब जहाँ बाहर जो रमज़ान के महीने में लोग निकालते हैं तो निकाले थे, तो मैं इसको लास्ट में मैं ला के अपने सेफ्टी के लिए इसको ऐसे डाल दिया ताकि साफ़ सफाई करने में काफ़ी अच्छा रहता है। तो भाई तेल वेल डालते हैं, और मेरा तेल हो गया भाई। भाई सऊदी अरेबिया में बाहर कल्ब कंट्री में काम करने वाला इतना सुकून से पैसा नहीं मिलता दोस्तों, सारा कुछ इधर करना पड़ता है। और गल्फ कंट्री में जो भी आता है, कोई घर का अगर गया है तो बोलेंगे भाई आपका लड़का तो सऊदी में है, बाहर विदेश में है, आप तो बहुत रुपया कमाते होंगे, भेजते होंगे। तो दोस्तों ज़िंदगी ऐसे एक एक दिन निकालना पड़ता है, और मेरा अभी हो गया है तो इसी में गोश्त डाल दूँगा जो भी लगाया हूँ, लेकिन वो अभी बना के मिलते हैं दोस्तों। बहुत स्टैंडर्ड अभी हो गया भाई, बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया, तो अभी नहा वहा के रेडी हो गया क्योंकि ड्यूटी भी लग सकती है। तो मैं कहा अभी खाना वाना खा लेते हैं क्योंकि खाना बन गया, तो अभी खाते हैं। और ड्यूटी लग जाएगी तो पता नहीं रहता कब आएंगे कब नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे किस जगह जाएंगे, तो ये बता के नहीं फ़ोन आता, कभी भी फ़ोन आता है और तुरंत जाना पड़ता है। तो भाई ये है मेरा, देख सकते हो बनाया बहुत मन ध्यान से हूँ, और अभी देख सकते हो ये भाई नया बिल्डिंग बन रहा है। भाई राजमिस्त्री ऐसे काम करते हैं, ऐसे नई नई बिल्डिंगें बनाते हैं, और बहुत मेहनत काम है यहाँ पर राजमिस्त्री का। जो ईंटा गारे के जो मिस्त्री होते हैं उनका मेहनत बहुत पड़ता है यहाँ पर, और जब गर्मी का समय आता है तो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये लोग ऐसे काम करते रहते हैं। और सामने पीछे जो बिल्डिंग बन रही है, अभी 3 महीना हो गया बनते हुए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको लग जाएंगे 6 महीना और अभी, क्योंकि इसमें पत्थर उत्थर लग रहा है। दोस्तों जो रूम पे पूरी तरह से एकदम थक जाता हूँ तो पूरा एकदम दिमाग हिल जाता है, तो आके इसी पार्क में बैठता हूँ, और बहुत अच्छा पार्क है, पूरा साफ़ सफाई इतना होता है इसमें, मतलब सुबह के टाइम में साफ़ सफाई होता, शाम को भी साफ़ सफाई होता, और काफ़ी अच्छा ये पार्क है हम लोगों के लिए, क्योंकि इधर आस पास के जितने भी आदमी काम करने वाले होते हैं गर्मी के समय में, इधर आगे भी इंतज़ार करते हैं और बैठते हवा लेते हैं, क्योंकि भाई एक ही जगह पर बैठे बैठे बीमार हो जाता है इंसान, और रूम पर तो ज़्यादातर रूम पे थकान बहुत होता है, तो इसीलिए यहाँ आके हर कोई बैठता है और इंतज़ार करता है थोड़ी देर। तो अभी देख सकते हो कितना शानदार पार्क है, पीछे नज़ारा।